सात लोगों को मौत के घाट उतारने वाली अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं फांसी के फंदे के निर्माण के लिए बिहार के बक्सर जेल प्रशासन को भी जानकारी भेजी जा चुकी है। कैसे तैयार होता है फांसी का फंदा, इस पर देखिए आप एक खास रिपोर्ट। किसी कैदी को डेथ वारंट जारी होने से पहले ही फांसी का फंदा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पूरे देश में फांसी देने के लिए रस्सी केवल बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में ही तैयार की जाती है, क्योंकि फांसी का फंदा तैयार करने के लिए जो नमी चाहिए होती है इस जेल में नेचुरल तरीके से मिलती है। कारण इस जेल का गंगा नदी के किनारे होना। फांसी के फंदे के लिए विशेष प्रकार की मनीला रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। मनीला रस्सी तैयार करने के लिए 172 धागों को मशीन में पिरोकर घिसाई की जाती है। मजबूत धागा बनाने के लिए J34 किस्म की रुई का इस्तेमाल किया जाता है। 8 लच्छी को रात भर नमी में ओस में मुलायम होने के लिए छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से रस्सी की मजबूती बढ़ जाती है। इसके बाद 3 रस्सी को एक मशीन में घुमाकर मोटी रस्सी बनाई जाती है। तैयार मोटी रस्सी को रात भर मोम में डुबाकर रखा जाता है ताकि फांसी देने पर यह फंसे नहीं। देखिए, ये जो रस्सी है वो 7200 धागे का एक बंच है, जिसमें कि 154 धागे का एक लट करके 6-7 लट को 7200 में कन्वर्ट किया जाता है। और नॉर्मली तो ये मैनुअल वर्क ही है, लेकिन उसका कुछ पार्ट्स जो है वो मोटर बेस्ड यंत्र का भी यूज किया जाता है, खासकर लट बनाने में। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक एक फंदा तैयार करने में 1800 रुपए का खर्च आता है। 2 रस्सियां तैयार करके भेजी जाती हैं, एक से ट्रायल होता है और दूसरे से फांसी दी जाती है। व्यक्ति के वजन और गले के माप का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ब्रिटिश काल से बक्सर जेल में ही कैदी मौत का फंदा तैयार कर रहे हैं। इस कारण ये कैदी फांसी का फंदा तैयार करने में माहिर माने जाते हैं। पुराने कैदी ही नए कैदियों को प्रशिक्षण देते हैं। बहरहाल, फांसी का फंदा बनकर तैयार हो रहा है, जो दोनों कैदियों को उनकी सजा के अंजाम तक पहुंचाएगा। अब इंतजार है सिर्फ डेथ वारंट जारी होने का। बक्सर से नेशन न्यूज के लिए दिनेश राय के साथ मंजुल मंजरी की रिपोर्ट।